हरे कृष्णा। व्यासा एस्ट्रो चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम एस्ट्रोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं, तो उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा जो फोकस रहता है वो ये रहता है कि हम अपने फ्यूचर को जानें और जो प्रॉब्लम्स कठिनाइयाँ ज़िंदगी के अंदर आने वाली हैं उनकी रेमेडीज़ लें। और हमें बहुत सी डिसअपॉइंटमेंट भी होती है कि बहुत सी रेमेडीज़ करने के बाद वी आर नॉट सेटिस्फाइड, वी डू नॉट गेट व्हाट वी वांट टू गेट फ्रॉम दोज रेमेडीज़, एंड इट इज़ द रियलिटी। ये सच्चाई है। क्यों होता है ऐसा? क्या रीज़न है उसका? व्हाट आर द रीजंस दैट रेमेडीज इन एस्ट्रोलॉजीज डू नॉट वर्क और दे डू नॉट वर्क एज यू वॉन्ट देम टू वर्क? देखिए, मैं आपको कुछ हिडन प्रैक्टिसेस, सीक्रेट्स आज रिवील करूँगा रिगार्डिंग रेमेडीज। देखिए, यूजली एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो मेजर रेमेडीज़ हैं वो हैं मंत्रास, जेमस्टोन्स एंड चैरिटीज़। आप चैरिटी कर सकते हैं, आप जेमस्टोन्स धारण कर सकते हैं, आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत जातक ऐसे हैं जिनको ये तीनों रेमेडीज से रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। पॉइंट ये है कि रेमेडीज से रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते हैं? क्या इसमें रेमेडीज या जो रेमेडियल मेजर्स हमने किए हैं उनमें प्रॉब्लम है या जातक में प्रॉब्लम है, या वो रेमेडीज गलत बताई गई हैं, या इन तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, रेमेडीज सही बताई गई, सब कुछ सही किया गया, लेकिन फिर भी उसका असर, उसका रिजल्ट एक जातक को नहीं मिला। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट नो नो जो मैं आपको एक रेमेडी के लिए बताऊंगा कि कौन सी चीजें हैं जो आपको रेमेडीज करते हुए नहीं करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम किसी भी रेमेडी के बारे में किसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी स्पिरिचुअल पर्सन ने ABC प्रॉब्लम के लिए आपको एक मंत्र बताया, आपने कहा कि हमने वो मंत्र चैंट करना है, दिन में इतनी माला करनी है उसकी, और हम अपने बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन करते हैं कि हमें एक इंसान मिला जिसने हमारी कुंडली देखी, उसने हमें ये मंत्र बताया और मैं ये मंत्र का जाप कर रहा हूँ और मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। द मोमेंट यू से दिस थिंग द रिजल्ट विल स्टॉप, बिकॉज उस मंत्र की जो एनर्जी थी आपकी बॉडी के साथ सिंक्रोनाइज हो रही थी उसी समय। द मोमेंट इट वॉज सिंक्रोनाइजिंग देर वॉज अ थर्ड एनर्जी जिसको आपने ये बताया, और उस एनर्जी ने बोला कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता यार, मंत्रों से तो ठीक है, मतलब इतनी आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे इतनी जल्दी, या आई डोंट नो वेदर दिस मंत्र विल वर्क फॉर यू और नॉट। और अगर 2, 4, 5 दिन, 10 दिन आपको वो जाप करते हुए हो गए हैं और आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं और आपका दोस्त बोल देता है कि छोड़ यार, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू, तो वो एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है आपकी लाइफ के अंदर। दैट एनर्जी कंप्लीटली गो हेयर एंड देयर। एक स्पिरिचुअल पर्सन ने आपकी एनर्जी को सिंक्रनाइज करके आपको वो मंत्र का जाप दिया, आप कर रहे थे, आपको रिजल्ट्स मिलने वाले थे, आपने उसकी डिस्कशन की, वो एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। सिमिलर इज विद द स्टोन्स। व्हेन यू वियर जेम स्टोन्स, द मोमेंट यू वियर जेम स्टोन्स, द फर्स्ट थिंग यू स्टार्ट टेलिंग पीपल इज दैट आई एम वेयरिंग दिस स्टोन फॉर दिस मैनी रुपीज एंड लुक एट द क्लैरिटी, लुक एट हाउ इट शाइन्स, एंड द स्टोन इज विल गिव मी अ गुड वाइफ, अ गुड होम, अ गुड बिजनेस, यू नो इट इज गोइंग टू चेंज माई लाइफ। नो, द जेम स्टोन कैन चेंज यू, इट कैन नॉट चेंज योर लाइफ। दैट इज वाई पीपल सजेस्ट यू टू वियर जेम स्टोन्स ऑफ द लग्ना,
दी फिफ्थ हाउस एंड दी नाइन्थ हाउस, ये तीनों घर है क्या? फिफ्थ फर्स्ट हाउस इज यू योर सेल्फ। हमेशा लगन का स्टोन इसलिए डलवाया जाता है कि आपके लगन को स्ट्रांग किया जाए, आपको स्ट्रांग किया जाए। इट्स यू हु हैज टू बी स्ट्रांग फर्स्ट। फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ योर टैलेंट, योर स्किल, योर चिल्ड्रन, योर पर्सनल लाइफ, योर लव अफेयर्स। उसको वो कहते हैं कि उस वो जिंदगी की एक एस्पेक्ट है लाइफ के, उनको ठीक किया जाए। नाइन्थ हाउस इज द हाउस ऑफ योर विजडम, योर फादर, योर नॉलेज, योर स्पिरिचुअल सेंसेस। तो वो उस चीज को स्ट्रांग करने की कोशिश करते हैं नाइन्थ हाउस के रत्न डलवा कर। कोशिश होती है कि ये जो फिफ्थ 159 के जो लॉर्ड्स हैं वो 6, 8, 12 में, 6, 8, 12 में ना बैठे हों। वट आर दे ट्राइंग टू डू? दे आर बेसिकली ट्राइंग टू मेक यू अ स्ट्रांग पर्सन। आपको वो स्ट्रांग बनाना चाहते हैं वो जेम स्टोन डलवा के। एंड वंस यू स्टार्ट टेलिंग, वंस यू स्टार्ट शोइंग ऑफ दोज थिंग्स, दे स्टॉप वर्किंग। Once you start discussing, they stop working. Suppose, I have seen a lot of people doing charity and then they click the photographs, put it on the Facebook or they put it on the newspaper. For an example, if you're donating food items, and I have seen people clicking photographs, making videos and then giving it in the newspaper next day, that so much of food was distributed, so much of clothes were distributed. You know, every karma, you know what is a karma? Karma is your action. Every action, every karma that you have done is written in your logbook of your life. And the moment you tell it to everyone, once you make it public, you know, it does not remain the good karma. It does not. See, if you are given something by God, do you think God should tell it to everyone, okay, this was given to him, and then put it in the newspaper? How would you feel? That it is given to you for free and next day it is in the newspaper and you feel that there is nothing that you could have done about it or you could have achieved it yourself. Aap khud usko le sakte the. You know, that's actually at times can be an embarrassment. People say it is motivation for others. Well, agar kisi ko motivate hona hai daan pun karne ke liye, charity karne ke liye, use kisi motivation ki zarurat nahi hoti hai. They'll do it. People who want to do it, people will do it. So that is how, you know, your practices, your remedies do not work. Suppose you've given a stone to someone. I'll talk about some strong gemstones like Neelam or you can say a Pukhraj or, you know, there are two planets that are always, you know, that create a lot of this and that in life. I've always seen the two planets. One is Shani, the second one is Mangal. The Mangal is the desire, you know, the energy in somebody's life, and Shani is the discipline in somebody's life. Now, agar aap see, aap dekhe ki agar kisi ki Shani ki dasha kharab chal rahi hai, Shani ki position bad hai, you know, he's struggling in his life. Wo insaan sari raat nahi so pata, subah 4 baje uthke baitha hai aur soch raha hai ki kya hoga zindagi ke andar. और वो अपनी किस्मत को कोस रहा होता है. आप जानते हैं कि उसका शनि खराब नहीं है, उसका शनि ये चाहता है कि वो सुबह 4 बजे उठकर अपने काम के बारे में सोचे और वो कम सोए. दैट्स व्हाट हिज शनि वांट्स, दैट्स व्हाट हिज शनि वांट्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स. और हम उसको नेगेटिव ले रहे हैं. और अगर वही इंसान अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए सुबह 4 बजे उठ के सोचे, काम पे जाए, डिसिप्लिन्ड हो जाए, तो आई डोंट थिंक शनि वुड बी अ प्रॉब्लम. सी, वी आर टेकिंग इट एज अ टेंशन, बट इट इज द लाइफस्टाइल शनि वांट्स फ्रॉम यू, सैटर्न वांट्स फ्रॉम यू. दैट्स व्हेन सी, एंड पीपल डो नॉट वांट टू लिसन दिस. लोग ये चीज सुनना नहीं चाहते हैं कि आपको इस तरह की रेमेडीज की जरूरत है. दे वॉन्ट ईजी रेमेडीज, दे वॉन्ट दैट यू नो देर शुड बी सम मैजिकल थिंग दैट शुड हैपन विद देम एंड थिंग्स शुड चेंज. दे डोंट वॉन्ट टू चेंज एज पर द प्लैनेट्स, एज पर देयर लग्न, एज पर द लॉर्ड ऑफ देयर विजडम, द नाइन्थ हाउस, लॉर्ड ऑफ द करम स्थान विच इज द 10th हाउस, लॉर्ड ऑफ द 7th हाउस, द 4th हाउस, द 2nd हाउस फॉर मैरिज. दे डू नॉट वॉन्ट टू चेंज as per the position of lords or the planets in a horoscope.
एंड यू शुड आस्क, यू नो, यू शुड ऑलवेज आस्क एन एस्ट्रोलॉजर कि ये रेमेडी क्यों बताई जा रही, क्योंकि जब तक आप किसी रेमेडी को समझेंगे नहीं, आप उसको जितना मर्जी करें वो आपको रिजल्ट नहीं देने वाली है. एंड यू नो इफ यू आस्क एन एस्ट्रोलॉजर इज दिस अ 100% करेक्ट रेमेडी और डू यू एग्री कि दिस इज गोइंग टू वर्क, द आंसर वुड बी आप करके तो देखें पहले, फिर आपको बताएंगे कि ये वर्क करेगी नहीं करेगी. सी द प्रॉब्लम इज दैट ही हिमसेल्फ इज नॉट 100% श्योर, ही इज नॉट श्योर, ही हैज हीज रेड इट, ही इज गॉट इट विद सम एक्सपीरियंस, ही इज टेलिंग इट टू यू, बट देर इज नो गारंटी ऑफ इट. द गारंटी इज नॉट देयर बिकॉज ही डजेंट नो यू इनसाइड आउट, वो आपको नहीं जानते हैं. That is the most important thing. And remedies सिर्फ उन जातक के लिए काम. See, मेरे पास लोग कहते हैं कि हमारे पिछले जन्म के ये कर्म थे, हमसे ये गलत हुआ, इसलिए you know हम भुगत रहे हैं. ये वो अज्यूम करते हैं कि हम पिछले जन्मों में हमने ऐसा किया होगा जिसकी वजह से हमने इस जन्म में तो किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन इस जन्म में हम इतना क्यों भुगत रहे, हमने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया. तो that is right that they are at least aware that there would have been you know some bad karmas in their past life for which they are facing problems in this life. That is true, that is a reality, but you cannot take away that karma by doing a remedy. You can only slow down its effect. For an example, if there's someone who's with a stick and he wants to beat you, you can't suppress that person. Aap us planet ko suppress mat kijiye, aap jaake us planet ke paon pakad lijiye. आप उनसे क्षमा मांगे, उनसे माफी मांगे, उनकी रेमेडीज मत करें. उनकी रेमेडीज, लोग कहते हैं आप नारियल बहा दीजिए जल में, आपका राहु शांत हो जाएगा, या आप सुरमा लेके जमीन में दबा दीजिए, आपका शनि दब जाएगा. आप हिम्मत रखते हैं शनि को दबाने की? और अगर टेम्परेली अगर वो शनि दब भी जाएगा, जिस दिन आप ये सोचे कि वो बाहर आएगा तो वो क्या हाल करेंगे, वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, जस्ट थिंक ऑफ इट, जस्ट थिंक अबाउट इट. It is going to hit you back very hard, which you cannot even remember for lives and lives to come. You know, that will be the most dangerous thing that you can do. The only thing you can do is get into spirituality, get into yoga, get into charity, but do not reveal it to the people, do not put it on the Facebook or on the news channels or on the newspaper. Aap us pe mat kijiye. Weird gemstones, do not discuss with your friends and relatives that okay, this is what we've done and this is what I'm going to get out of this. No, do not do that. Do not discuss, you know, mantras that is given to you by a spiritual person. Do it, keep it with you. You will get the results from there. The moment you start discussing them, you start, आप उनकी एनर्जी बांटनी शुरू कर देते हो और आपके पास सिर्फ 10% एनर्जी उस चीज़ की रह जाती है. ये जो वीडियो था, ये वीडियो एक बेस है जो रेमेडीज़ की मैं सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ. इसके बाद आप बहुत सी मेरी रेमेडीज़ के आप वीडियोस देखेंगे जिसके अंदर मैं आपको हर प्लैनेट की, हर हाउस की, हर प्लैनेट की उस राशि के साथ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस तीनों की प्रैक्टिसेस मैं आपको बताऊंगा. मैं आज के बाद रेमेडीज़ को प्रैक्टिसेस का नाम दूंगा, बिकॉज ये शास्त्रों में हमारे रेमेडीज़ नहीं थी, प्रैक्टिसेस थी जो हम करते थे, जो हम भूल गए हैं. तो ये एक बेस होगा. इसके बाद आपको बहुत से वीडियोस आपको मिलेंगे जिसमें एक पर्टिकुलर लगन को लेकर या 12 के 12 जो लगन है उनको लेकर हम एक यू नो वीडियो बनाएंगे कि कौन सी रेमेडीज़ कैसे काम करती हैं. फिर डिफरेंट प्लैनेट्स को लेके, जो मेलिफिक प्लैनेट्स हैं और जो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं उनको लेके हम एक एक करके आई विल स्टार्ट दिस सीरीज. सो दिस इज़ द फर्स्ट बेसिक वीडियो टू यू नो मेक योर बेसिस क्लियर. वंस योर बेसिक्स आर क्लियर, वंस यू नो कि आप क्या करने जा रहे हैं, आप रेमेडीज़ अच्छे तरह से कर पाएंगे और आपकी एक्सपेक्टेशंस भी रेमेडीज से यू नो उसके अकॉर्डिंगली ही होंगी, राइट. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई एम कमिंग अप विद अनदर वीडियो ऑन द वेरी बेसिक्स ऑफ रेमेडीज. द फर्स्ट वीडियो आई शूट आफ्टर दिस वीडियो वुड बी रेमेडीज ऑन द हेल्थ एंड देन आई मूव ऑन टू द बिजनेस, द मैरिज, द चाइल्डहुड एंड लॉट ऑफ अदर टॉपिक्स एंड ऑल द रेमेडीज थ्रू डिफरेंट लग्नास एंड थ्रू डिफरेंट प्लैनेट्स.
right? So if you like this video, you can subscribe to my channel, which is Vyasa Astro Channel. And till then, Hare Krishna, God bless you all. Thank you.